लाल सिंह जी का है और मैं चाहता हूं कि वो ही माहौल, इसी प्रकार का माहौल जम्मू में भी हो। जम्मू वो क्षेत्र है जहां की सेवा इस शहर को, गांधीनगर हो, इलाका आसपास का हो। रमन भल्ला जी ने सिर्फ एक नुमाइंदे के तौर पर नहीं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इनको 20-25 साल से देख रहा हूं, इन्होंने इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर व्यवहार रखा है। नेता बहुत बनते हैं, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई DDC बनता है, कोई MLA बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन रमन भल्ला जी की खासियत है कि वो विपक्ष में भी वैसे इंसान है जैसा पक्ष में है, सत्ता में हो या विरोध में हो, लेकिन आप जनता के लिए, इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है और मैं इस बात का साक्षी हूँ। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, कि इन्होंने एक बार फिर आप सबके पे भरोसा करते हुए रमन भल्ला जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ इस रियासत का नहीं, ये चुनाव सिर्फ जम्मू शहर का नहीं, ये चुनाव पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 10 साल से देश में जो सरकार बनी है वो सरकार भी जनता के वोट से बनी है। लोगों ने वोट दिया था इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, 25-30 साल के बाद कोई सरकार फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनी। सरकार बनने से पहले भाजपा बोलती थी महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क निर्माण, उद्योग, निवेश, ये सब हम करेंगे। जब 14 में सरकार बनी, उससे ज्यादा बहुमत 19 में आया, और अभी भी पेट नहीं भर, आप क्या भाषण दे रहे हैं, 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, सारे पार करा दिए, 400 पार। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272, आप 400 क्यों चाहिए आपको? 2019 95% विपक्ष के लोगों के ऊपर, ऐसा माहौल देश में बन गया। जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी 70 साल से देश में थी, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जान पूछ के उनकी विश्वसनीयता को, उनकी पारदर्शिता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, आप सबने देखा होगा निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके वहां न्याय हुआ। इस घमंड और अहंकार का अंत कब होगा? इस स्टेट को यूटी बना दिया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले पहले चुनाव कराओ, तब कराने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स, हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूली कर ली, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब लिस्ट बाहर आई किसने कितना पैसा लिया, कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, चंदा दो और ठेका लो खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से कितने हजारों करोड़ रुपए आप ले रहे हो। और कांग्रेस पार्टी को 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस गया, 1994 में उस नोटिस को हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए सारे, विपक्ष की पार्टी और आपके आशीर्वाद से जीतेगा। और ये नफरत की राजनीति, लोगों को लड़ा देना मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर, मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके भजन गाता हूं, कब व्रत रखता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा निजी है। इस देश में संविधान है, 140 करोड़ बराबर के नागरिक हमारे देश में है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पृष्ठभूमि हजारों हैं। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, पूरा देश सबका है, लेकिन ये किसी के कान में कुछ, किसी के कान में कुछ, इसको उससे लड़वा दो, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, खाद बीज बिजली पानी सड़क हॉस्पिटल कॉलेज की कोई चर्चा नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, 26 तारीख को मतदान होगा, रमन भल्ला जी को इस बार इतनी मजबूती दो, इनके भी दशकों लग गए, देखा 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं, आपने सब कुछ दिया इनको। स्वर्गीय पायलट साहब जब भी यहां जम्मू आते थे, उस जमाने में जब बहुत कम नेता आते थे, इस जम्मू कश्मीर में बहुत कम नेता आते थे, ये हमारे भाजपा के नेता, ये कहां थे उस समय जब यहां गोलियां चलती थी, येरा बॉर्डर हमारा पास में,
कोई आके नहीं दिखता था यहां पर। किसके आंसू पोंछने के लिए आप आए, किसको आपने हिम्मत दी? जब कठिन समय था, जब मिलिटेंसी थी, जब आतंकवाद था, जब अंधेरे के बाद घर से नहीं लोग निकलते थे, हजारों सैकड़ों हर धर्म के लोग यहां बैठे हैं, और ये इस देश की खूबसूरती है। 5,000 साल पुराना हमारा इतिहास रहा, हर जुबान के लोग, हर मजहब के लोग आपस में भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, पैदल चले केरला से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर, न्याय यात्रा निकाली, 50% उसमें जो पद भरे जाएंगे महिलाओं को दिए जाएंगे, नौजवानों को 1 साल की पहली नौकरी पक्की का वादा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा विजन है। ये कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। आपका एक एक वोट कीमती है, जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, भला साहब ने बोला, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये हाथ का निशान है, 26 तारीख को बटन दबाकर भला साहब को आपने सब कुछ दिया, बस सांसद नहीं बनाया, आप सांसद बनाओ और हम और ये मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और जैसे इन्होंने पूरे परिवार ने, अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार मैंने देखा सुबह शाम लोगों की सेवा करने में, और अपना सब कुछ कुर्बान